एंजाइटी डिसऑर्डर्स के साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में अक्सर एक जो कॉमन थेरेप्यूटिक टेक्निक सजेस्ट की जाती है वो होती है एक्सपोजर थेरेपी। एक्सपोजर थेरेपी का मतलब है कि जिस चीज से डर लग रहा है उसका आपको सामना करने के लिए, उसको फेस करने के लिए आपको सजेस्ट किया जा रहा है। जो भी एक्सरसाइजेस होती हैं एक्सपोजर थेरेपी की वो इसी चीज पर बेस्ड होती हैं कि जितना आप अपने डर का सामना करेंगे, जितना आप अपने फियर का एक्सपोजर करेंगे, उतना अच्छे से आप अपने डर को दूर भगा पाएंगे। अब ये जो एंजाइटी होती है ये कई डिसऑर्डर्स में मिलती है, जैसे कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबियाज या पैनिक डिसऑर्डर, साथ ही ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और इसी तरह कई सारे पेशेंट्स अपने अंदर एंजाइटी का एक्सपीरियंस करते हैं। और एंजाइटी डिसऑर्डर या तो सेपरेट इंडिपेंडेंट डिसऑर्डर के तौर पर भी एक पर्सन एक्सपीरियंस कर सकता है, या फिर ये किसी डिसऑर्डर का सिम्टम हो सकता है, या कोई एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ कोमॉर्बिड कंडीशन एक एंजाइटी डिसऑर्डर की हो सकती है। जैसे कि एक पर्सन के अंदर डिप्रेशन तो है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, पर साथ ही उसके अंदर कुछ एंजाइटी के सिम्टम्स हैं, या डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ एक पर्सन को सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी है। तो इस तरह से एंजाइटी डिसऑर्डर्स या एंजाइटी के सिम्टम्स एक पर्सन एक्सपीरियंस कर सकता है। किसी भी तरह की एंजाइटी को दूर करने के लिए या तो रिलैक्सेशन थेरेपी यूज की जाती है, जिससे कि एक पर्सन अपने बॉडी में आने वाले जो एंजाइटी सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल करना सीखता है, अपने अंदर जो घबराहट बेचैनी है उसको कम करना सीखता है, मेडिटेशन योगा भी इसमें काफी हेल्पफुल होते हैं। पर साथ ही जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हैं उनमें मेन फोकस एक्सपोजर के ऊपर होता है। अब अक्सर कई लोग जब एक्सपोजर करना शुरू करते हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जिस चीज से वो इतने समय से डरते आए हैं उसका जब उनको सामना करना पड़ेगा तो उनके अंदर रेजिस्टेंस तो आएगी ही। अब चाहे ओसीडी हो जिसके अंदर नेगेटिव थॉट आती हो और उनका सामना करने को कहा जाए, पेशेंट को कहा जाए कि जो थॉट्स आपको आ रही हैं उनको एज इट इज एक्सपीरियंस करो, उनको देखो, मन में आने दो, और धीरे धीरे आपकी एंजाइटी बढ़ेगी और एक टाइम के बाद पीक पर आने के बाद आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी। तो एंजाइटी के रिलीफ में एक बेल शेप कर्व की तरह एंजाइटी को एक्सपीरियंस किया जाता है, मतलब कि धीरे धीरे आपकी एंजाइटी बढ़ेगी, जब आप उसका सामना करते हो एक पीक पर पहुंचेगी और उसके बाद एंजाइटी अपने आप कम होना शुरू हो जाएगी। यही आइडिया, यही एक प्रिंसिपल, यही एक मैकेनिज्म है जिसके बेसिस पर एक्सपोजर थेरेपी को रिकमेंड किया जाता है। और एक्सपोजर थेरेपी एक साइंटिफिक टेक्निक है। सभी डिसऑर्डर्स जिसमें भी एंजाइटी एक्सपीरियंस होती है उसमें एक्सपोजर थेरेपी के ऊपर रिसर्च करके एविडेंस इकट्ठा किया गया है, इसीलिए डॉक्टर्स थेरेपिस्ट जो है इसको रिकमेंड करते हैं। और एक्सपोजर थेरेपी के ऊपर बहुत सारा एविडेंस जो है पिछले करीब 40-50 साल में वैज्ञानिकों ने गैदर किया है, और कई अलग अलग इसके मॉडिफिकेशंस बनाए हैं कि किस तरह से एक पेशेंट को अपनी एंजाइटी का सामना कराया जा सकता है जिससे कि उसका फियर दूर हो। अब ये जो एक्सपोजर है ये एकदम बहुत सारा एक्सपोजर नहीं करा दिया जाता, धीरे धीरे एक पेशेंट को तैयार किया जाता है, उसके अंदर करेज लाई जाती है, उसको टॉलरेट करना सिखाया जाता है कि कैसे वो पहले थोड़ी सी एंजाइटी को हैंडल करे, फिर धीरे 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 वो ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करके ज्यादा एंजाइटी को टॉलरेट करने की अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाए। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी को लोगों से बात करने में मुश्किल होती है, एंजाइटी आती है, तो सीधा उसको कहा जाए कि अब डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करो, जाके स्टेज पर एक प्रेजेंटेशन दो। शुरुआत की जाएगी किसी छोटी सिचुएशन से, जैसे कि कहा जाएगा किसी स्ट्रेंजर से बात करो, या अपने क्लासरूम के अंदर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिससे कि कभी बात नहीं हुई उसके साथ थोड़ा इंटरेक्ट करो, टीचर के साथ इंटरेक्ट करो, किसी अपने ऑफिस के एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्ट करो। फिर धीरे धीरे थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन में एक्सपोजर होगा, तो सोशल एंजाइटी हो या फिर ओसीडी हो, मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसको कि गंदगी से डर लगता है, दिमाग में बहुत सा फियर आता है कि अगर गंदगी का एक्सपोजर हो गया तो घर में लोग बीमार पड़ जाएंगे, या मैं बीमार पड़ जाऊंगा या पड़ जाऊंगी, और ऐसे में पर्सन पूरी कोशिश करता है कि उस एंजाइटी को दूर करने के लिए जल्दी से जल्दी ये जो सारी जो गंदगी है इसको साफ कर दिया जाए। तो एक पेशेंट बहुत ज्यादा कंपल्सिव एक्ट दिखाता है, ज्यादा ज्यादा सफाई करने लगता है। अब इस पर्सन को कहा जाएगा कि अगर आपके आसपास कहीं कोई गंदगी है तो उसका सामना करो, और थोड़ी देर के लिए कोई सरफेस है या आपके हाथ पैर हैं उनको गंदा रहने दो, थोड़ा सा आपको एंजाइटी होगी, एंजाइटी टॉलरेट करें, धीरे धीरे एंजाइटी बढ़ेगी, पीक पर पहुंचेगी और एंजाइटी कम हो जाएगी। इस तरह से आप एंजाइटी से रिलीफ लेना शुरू कर देंगे। पहले थोड़ा सा किसी सरफेस को गंदा किया जाएगा, फिर हाथ को गंदा करा जाएगा, फिर किसी कपड़े को गंदा किया जाएगा, कई सारे अलग अलग जो फियर के सोर्सेज हैं उनको गंदा करके पेशेंट का एक्सपोजर कराया जाता है। इसे कहा जाता है ग्रेजुअल एक्सपोजर। अब ग्रेजुअल एक्सपोजर की मदद से एक पर्सन की एंजाइटी को टॉलरेट करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, और धीरे धीरे उस चीज से डर लगना ही बंद हो जाता है।
तो ये है बेसिक एक्सपोजर थेरेपी का तरीका जिससे कि एंग्जाइटी दूर होती है। अब बहुत से लोग डेली प्रैक्टिस में देखने में आते हैं, जो कि एक स्यूडो साइंटिफिक आइडिया है, प्रिंसिपल है, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आप जो सोचोगे, जो चाहोगे, जो फील करोगे, जो एक्शंस करोगे, वैसा ही आपके साथ और ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। मतलब आप मैनिफेस्ट करोगे, जो आपने सोचा वो रियल वर्ल्ड में हो जाएगा। ये जो मैनिफेस्टेशन का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक थ्योरी पर बेस्ड है या लॉ पर बेस्ड है, नाम तो उसको लॉ का दे देते हैं वो, ये अक्सर एम करता है कि लोगों को पॉजिटिव फील कराने के लिए, लोगों की लाइफ में सुख समृद्धि लाने के लिए, पीस और सक्सेस लाने के लिए। जरूरी है कि लोग अपनी थिंकिंग को इस तरह से मॉडिफाई करें कि जो वो चाहते हैं अपनी लाइफ में उसके बारे में सोचना शुरू कर दें, कि जितना ज्यादा आप सोचोगे उतना ज्यादा सिचुएशंस जो है वो आपके फेवर में काम करने लगेंगी, उतना ज्यादा यूनिवर्स जो है, पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरी धरती जो है, वो एक तरह का षड्यंत्र करेगी कि किसी तरह से आपकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति हो जाए। इसी से रिलेटेड एक ओम शांति ओम फिल्म का एक डायलॉग भी था जो कि काफी पॉपुलर है। तो ऐसा कुछ इंडिकेट किया जाता है कि जैसे आपकी थॉट्स में वो सारी पावर है, वो सारी ताकत है जिससे कि आप रियलिटी को क्रिएट कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन का मतलब है जो सोचा वो रियल वर्ल्ड में हो गया, मैनिफेस्ट कर गया। अब इस प्रिंसिपल पर, इस सिद्धांत पर बहुत लोग बिलीव करते हैं, बहुत पॉपुलर आइडिया है, इसे पॉप साइकोलॉजी का भी एक आइडिया कहते हैं, एग्जाम्पल है एक। पॉप साइकोलॉजी मतलब कि एक ऐसी अप्रोच जिसमें कि किसी थ्योरी या किसी आइडिया को जो कि साइकोलॉजी का है, जिसमें कि अपने मेंटल हेल्थ को या अपने लाइफ के कुछ आउटकम्स को अचीव करने पर, बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाता है, तो कोई ऐसी थ्योरी या कोई ऐसी आइडिया जिसको कि कोई भी बड़ा एक मोटिवेटर, मोटिवेशनल स्पीकर या कोई भी एक पॉपुलर लीडर या कोई थेरेपिस्ट उसको इस तरह से जनता को, ऑडियंस को परोसता है, जिसे बड़ा वो अट्रैक्टिव बना देता है और इस तरह से प्रेजेंट करता है जिसमें कि बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड क्लेम्स किए जाते हैं, और कुछ इस तरह से मक्खन मलाई लगाकर उस आइडिया को प्रेजेंट किया जाता है जिस पर कि लोगों का बिलीफ आए, लोग यकीन करें, विश्वास करें, और वो अट्रैक्टिव भी लगे और बड़ा इजी भी लगे। अब होते तो ये साइकोलॉजी के कुछ आइडियाज हैं, जैसे कि पॉजिटिव एफर्मेशंस एक साइकोलॉजिकल ऐसा टॉपिक है जिस पर कि वैज्ञानिक बिलीव भी करते हैं, डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एफर्मेशंस में आप अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स लाते हो जिससे कि आप अपनी एक्शंस को, अपने बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो और फिर उससे आप अपने लाइफ के आउटकम्स को चेंज कर सकते हो। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि साइकोलॉजिस्ट कहना चाहते हैं कि अगर आप सोचोगे तो वैसा हो जाएगा। नहीं, साइकोलॉजिस्ट पॉजिटिव एफर्मेशन से कुछ ऐसा मतलब निकालते हैं कि जब आपको कोई एफर्ट लेना है या जब आपको अपनी लाइफ में कोई चेंज लाना है, तो जैसा आप सोचने लगोगे वैसे आपके एक्शंस धीरे धीरे होने लगेंगे, क्योंकि आपके अंदर उन एक्शंस को लेने के लिए एक इंस्पिरेशन मिलेगी और वो इंस्पिरेशन आपके इन पॉजिटिव थॉट से मिलेगी। तो थॉट्स आपके बिहेवियर को कोई मैजिकल वे में इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे कि अचानक से आपके बिहेवियर चेंज हो जाएंगे। नहीं, थॉट्स को कोई मैजिकल पावर नहीं दी जाती। यहां पर थॉट्स और बिहेवियर का एक सीधे तौर पर कनेक्शन इंडिकेट किया जाता है कि जैसा आप सोचोगे वैसा बिहेव करने का आपका मन करेगा, क्योंकि आपको वो आइडिया हमेशा दिमाग में घूमता रहेगा। पर ये जो मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या कहा जाता है कि सोचने से कोई मैजिकल चेंज दुनिया में आने लगेगा, अचानक से दुनिया की कुछ ताकतें हैं जो काम करने लगेंगी और आपकी इच्छा को पूरा कराने लगेंगी। YouTube पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस और ऑडियोज अवेलेबल हैं जिसमें वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को खूब सारा प्रमोशन करते हैं, लोगों को कई तरह से उसे फॉलो करने के इंडिकेशंस देते हैं, कई अलग अलग तरीके के लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं और कहते हैं कि कैसे मेरी लाइफ में मैनिफेस्टेशन काम किया, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मैंने अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव की। हालांकि कोई भी सक्सेस या कोई भी हेल्थ अचीव करने के लिए बड़े सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, पर यहां पर इतना ओवर सिंप्लीफाई कर दिया जाता है कि जैसे बस सोचने भर से ये सब चीजें अचीव हो गई। और इसी को कहा जाता है स्यूडो साइंस या पॉप साइकोलॉजी, जिसमें आइडिया तो होता है जो कि साइकोलॉजिकल है, पर उसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है जैसे कि कोई मैजिकल इफेक्ट आ जाएगा, जैसे कि पूरी लाइफ बदल जाएगी, जैसे कि लाइफ के अंदर वो सब आप अचीव कर लोगे जो आप अचीव करना चाहते हो कई सालों से। अब कई लोग ऐसा बताते हैं कि अगर हमने ये एक्सपोजर थेरेपी की तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे अंदर वो जो फियर है वो मैनिफेस्ट हो जाएंगे। जिस चीज का डर लगता है अगर हमें वही सोचने को कहा जाएगा, जिस चीज से हम इतने घबराते हैं, जिससे दूर रहने की कोशिश करते हैं, अगर वही सब कराया जाएगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वही सब फियर्स हमारे सच हो जाएंगे। क्योंकि जो मैनिफेस्टेशन में बिलीव करता है वो तो यही सोचेगा कि भाई अगर ये सोचने को कह दिया डॉक्टर ने तो बजाय इसके कि हम ठीक हो सकता है हमारी लाइफ और खराब हो जाए। जैसे अगर किसी को हेल्थ एंग्जाइटी है
और उसको अगर कहा जाए एक्सपोजर एक्सरसाइज के तौर पर कि ऐसा इमेजिन करो कि जैसे आपको कोई बीमारी हो रही है और आप उस बीमारी के पेशेंट हो और आप डॉक्टर को कंसल्ट करने गए हो और डॉक्टर ने आपको ऐसा सजेस्ट किया है कि भाई आपको एक बीमारी हो चुकी है और अब कुछ ही दिन रह गए हैं आपके पास इस दुनिया में। ये एक एक्सपोजर एक्सरसाइज है जिसको कि प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता है उस पेशेंट को जिसे कि हेल्थ एंग्जाइटी है। अब ये पेशेंट क्या सोच सकता है अगर ये मैनिफेस्टेशन में बिलीव करता है कि अगर मैंने ऐसा सोचना शुरू कर दिया कहीं सच में मेरी बीमारी तो नहीं बढ़ जाएगी, कहीं सच में मेरे को एक्चुअल में वो बीमारी या डिसीज तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सच में मर जाऊंगा, तो ऐसा पर्सन एक्सपोजर एक्सरसाइज करने से बचता है क्योंकि उसे लगता है ये तो मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो सोचूंगा वही सब होना शुरू हो जाएगा। अरे डॉक्टर तो एक्सपोजर एक्सरसाइज में मुझे मारने की बात कर रहे हैं, मेरे जिंदगी के दिन कम कर रहे हैं, क्या सच में ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि मेरे जिंदगी के दिन कम हो जाएंगे, ये डॉक्टर्स तो पागल लगते हैं, ये डॉक्टर्स कौन सी थेरेपी दे रहे हैं, वो देखो हजारों करोड़ों लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं, वो देखो उस आदमी ने करोड़ों रुपया कमा लिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत में बिलीव करके उसे प्रैक्टिस करके, क्या वो सब मूर्ख हैं बेवकूफ हैं, ये डॉक्टर अपनी पता नहीं कौन सी साइंस लगाते रहते हैं, इलाज इनके पास है नहीं, बस लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कई तरह से लोग कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, आर्ग्यू करेंगे, और डॉक्टर्स की जो साइंस है साइकोलॉजिस्ट ने, साइकेट्रिस्ट ने, न्यूरो साइंटिस्ट ने जो बहुत सारा रिसर्च किया है उसको गलत ठहराने की कोशिश करेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने लाइफ को इतना मैजिकल तरीके से दिखाया है, ऐसा दिखाया जैसे सारी दुनिया एक जादू की तरह है, आप जो सोचोगे वो दुनिया में होना शुरू हो जाएगा, अचानक से दुनिया आपके मन मुताबिक बननी चालू हो जाएगी, अचानक से आप जो चाहोगे वो सारी चीजें आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी। इतना ल्यूक्रेटिव, इतना अट्रैक्टिव बना देते हैं ये इस सिद्धांत को, इस टेक्निक को, कि कितना कन्वीनियंट लगता है कि बस दुनिया में सोचना जरूरी है जैसा आप चाहते हो, बार बार सोचो, दिन में 20 बार सोचो, 50 बार सोचो, लिखते रहो इसको बार बार। कई कई उनके टेक्निक्स होते हैं, कहते हैं कि इतनी इतनी बार लिख दो इसको, कोई कहता है 77 बार लिखो, कोई कहता है 55 बार लिखो, तो कोई कहता है 33 बार लिखो, 33 बार लिखो 3 दिन के लिए, 55 बार लिखो 5 दिन के लिए, 77 बार लिखो 7 दिन के लिए, या इसे और तरह से ब्रेक कर लो, 77 बहुत ज्यादा होता है 7 दिन तक लिखना, तो दिन के अलग अलग हिस्सों में 7-7 बार लिख लो, सुबह 7 बार लिख लो, शाम को 7 बार लिख लो, 7 दिन तक लिखते रहो, लिखते जाओगे दिमाग में सारी थॉट्स आती जाएंगी और दुनिया की रियलिटी बदल जाएगी। ऐसे क्लेम्स किए जाते हैं जो कि मैजिकल क्लेम्स हैं, जादुई असर आ जाएगा ऐसा दिखाते हैं ये, और इस वजह से बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं, मिसगाइडेड हो जाते हैं, क्योंकि वो इस स्यूडो साइंटिफिक थॉट को, इस पॉप साइकोलॉजी के इस आइडिया को गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, गलत तरीके से समझते हैं और एक झूठ को अपनी लाइफ में देखने की कोशिश करते हैं, और लाइफ में होने वाले कुछ कोइंसिडेंस, कुछ इत्तेफाक, वो ऐसा देखने लगते हैं उन्हें जैसे कि हाँ वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। अब सीधी सी बात है, लाइफ में बहुत सारे इत्तेफाक और कोइंसिडेंस काम तो करते ही हैं। भाई अगर मेरा कोई दोस्त है और मेरे दोस्त से किसी तरह का मेरा कोई बिजनेस इंटरेक्शन हो रहा है, या मेरे किसी भी काम की वजह से, या मेरे लाइफ के किसी भी एरिया में मेरा इंटरेक्शन होता है, तो उस दोस्त के लाइफ में भी मेरे ही तरह दो चार लोग हैं, मेरी लाइफ में भी उस दोस्त की तरह दो चार लोग ही हैं। भाई बहुत सारे भीड़ तो होती नहीं है, बाकी तो जान पहचान के लोग होते हैं, पर दोस्त तो लिमिटेड ही होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं अगर अपने किसी दोस्त से मिलने का प्लान बनाऊंगा तो इन्हीं 4-5 दोस्तों में से कोई होगा। और मान लेते हैं कि आज सुबह सोकर उठा मैं और मेरा मन किया यार इस फ्रेंड से बड़े दिन से मुलाकात नहीं हुई, और पता चलता है कि दोपहर में उस फ्रेंड का कॉल आ गया, तो मुझे लगा अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर गया, मैं जो चाह रहा था वो मैनिफेस्ट हो गया। ऐसे छोटे छोटे कोइंसिडेंस वाले इंसिडेंट से हम कंफर्मेशन देने लगते हैं खुद को कि जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, अरे सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मैंने आज सुबह उठ के सोचा था, मुझे सपना आया था, मेरे सपने में मेरा दोस्त आया था और सच में मेरे दोस्त का कॉल आ गया, अरे मेरी लाइफ में गिनती के लोग हैं, उन्हीं लोगों के बारे में मैं सोचता हूं, उन्हीं लोगों के साथ मेरी आउटिंग होती है, उन दोस्तों की लाइफ में भी मैं शामिल हूं, उनके भी गिनती के दोस्त हैं। तो अगर हम एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कुछ मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। आम सी बात होती है कि हम किसी को याद करते हैं और वो भी इंसान हमें याद कर रहा होता है, तो एक ही टाइम पर हमारे मन क्लैश कर सकते हैं, इसमें कुछ मैजिकल नहीं हो रहा है। इनफैक्ट कोई ऐसा इंसान जिससे मेरा कोई खासा लेना देना नहीं है, जैसे कि मान लीजिए मेरा कोई पेशेंट है, 6 महीने पहले उसने मेरे से थेरेपी ली थी या एक कोई सेशन लिया होगा, और मैं अपनी कोई लिस्ट देख रहा हूं, पेशेंट्स की लिस्ट को रिव्यू कर रहा हूं कि कौन पेशेंट कब आया, कितने टाइम आया, क्या क्या उनका रिकॉर्ड है, क्या क्या उनके साथ काम किया, और अचानक से मेरी कुछ 2-4 पेशेंट्स के ऊपर नजर पड़ जाती है, और उन पेशेंट्स के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में पढ़ लेता हूं, थोड़ा सा मुझे वो याद आ जाते हैं, मैंने क्या काम किया था, कैसे किया था, मुझे वो सब रिकॉल हो जाता है। और बाई चांस मान लीजिए 2 दिन बाद वो पेशेंट मुझे फिर से कॉन्टेक्ट करता है, मैं कहूंगा अरे मैनिफेस्टेशन हो गया, मैंने कल परसों इसके बारे में सोचा था, मैनिफेस्ट हो गया, सच में पेशेंट ने मुझे कॉल कर दिया। तो ऐसे तो मैं सारे पेशेंट्स को याद करता रहूं, सारे पेशेंट रोज रोज मुझे कॉल करके मेरे से अपॉइंटमेंट लेते रहे, पर ऐसा तो होता नहीं।
किसी पेशेंट का मुझे याद करना, किसी पेशेंट का मेरे से सेशन लेना, कई महीनों पहले अगर किसी ने कॉन्टेक्ट किया था उसका मुझे दोबारा कॉन्टेक्ट कर लेना, ये बहुत आम सी चीज होती है। ये तो इस पेशेंट का मैंने लिस्ट में देखा, और भी ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं कई महीनों या हफ्तों के बाद, जिनके बारे में मैंने नहीं सोचा होता या उनको रिव्यू नहीं किया होता। उन लोगों के मामले में मैनिफेस्टेशन कैसे काम कर गई? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें मजबूर करता है कि हम केवल उन्हीं इंसिडेंट्स के बारे में ध्यान दें जो कि एक्चुअल में हमारी सोच के हिसाब से हो रहे हैं। उन इंसिडेंट्स पर हमारा ध्यान नहीं लेकर जाता जो कि हमारे सोचने की वजह से नहीं हुए। अगर किसी पेशेंट के बारे में मैंने कुछ रिव्यू किया और उसने मुझे कॉल किया 6 महीने के बाद, तो ये कॉन्सिडेंस था क्योंकि उसने मेरे से थेरेपी ली थी, उसका दोबारा मन कर गया थेरेपी का सेशन लेने का। पर इसी के तरह एक और पेशेंट है जिसने मुझे फिर से 4 या 6 महीने बाद कॉन्टेक्ट किया, उसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा था, रिव्यू नहीं किया, याद भी नहीं आया, तब मैंने ये बात क्यों नहीं कही कि भाई ये देखो यहां तो मैनिफेस्टेशन काम नहीं किया। हाँ, मैं मैनिफेस्टेशन में बिलीव नहीं करता तो मैं इन सब चीजों को दिमाग में नहीं लाता, पर आमतौर पर लोग तो ये गलती कर देते हैं। वो घटनाएं जो आपकी लाइफ में घट रही हैं जिसमें मैनिफेस्टेशन हुआ नहीं, आप उस पर डाउट नहीं करते क्योंकि आपका सारा ध्यान उधर ले जाया जाता है जहां पर मैनिफेस्टेशन के नाम की कोई चीज शायद आपकी लाइफ में हो रही होगी। आपको ऐसा बताया जाता है कि हाँ देखो मैनिफेस्टेशन हुआ है, आपने सोचा था इसलिए हुआ है। तो इस तरह का बायस क्रिएट किया जाता है, और ये जो बायसेस हैं, ये जो पक्षपाती तरीके से आपको देखने के लिए ट्रेन करते हैं, ये सारे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो प्रमोटर्स हैं बिलीव करते हैं, ये इसी तरह से आपकी अटेंशन को शेप कर देते हैं कि आप बस वही चीजें देख रहे हैं अपनी लाइफ में जिसमें आप कंफर्म कर सकें। कंफर्मेटरी बायस होता है, कंफर्म कर पाए कि हाँ लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन काम किया, अट्रैक्शन काम किया। तो आपको जानबूझ के कोइंसिडेंसेस में बिलीव करना सिखाया जाता है जैसे आपकी नियत आपकी इच्छा से हुआ, और वो सारे आपके लाइफ के इंसिडेंट्स जहां पर सब रैंडम चीजें हो रही हैं, अचानक से चीजें हो रही हैं, सडन हो रही हैं, उनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती। इसी को एक और तरह से देखें, आपको अभी एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, ओसीडी है, या डिप्रेशन भी हो सकता है, कोई भी दूसरा डिसऑर्डर होगा, आज आपको ऐसा लगता है कि एक्सपोजर करने से वो जो सारे डर है मेरे सच हो जाएंगे क्योंकि डॉक्टर वही करा रहा है मुझे जो कि मैं करना नहीं चाहता, जिससे मैं दूर हटना चाहता हूं या चाहती हूं। एंग्जाइटी होने के बाद जब आप में बहुत सारी चिंताएं आती हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके मन में कई तरह से चिंताएं जो हैं वो काम करेंगी, कई तरह से आप चिंतित होवोगे, कई तरह से वरीज या ओवरथिंकिंग काम करेगी जिससे कि आप अपने डर को बढ़ाओगे। क्योंकि एंग्जाइटी डिसऑर्डर में अक्सर हमारी जो थिंकिंग है वो इस तरह से काम करती है जिसमें कि हम अपने डर को बढ़ावा दे रहे होते हैं और ज्यादा चिंता करते हैं उन चीजों के बारे में जो कि हमारी चिंताएं बढ़ाती हैं। अब ध्यान दें कि जिस इंसान को चिंता होती है, एंग्जाइटी होती है, ओवरथिंकिंग करता है, वो लाइफ में बहुत सी चीजों को नेगेटिवली जज करेगा क्योंकि एक्सपोजर थेरेपी में लोगों को एक्सपोजर करने में डर लगता है, घबराहट होती है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिससे वो बच रहे थे और डॉक्टर कहता है वही करो। तो नेचुरल सी बात है कि ये पर्सन कई तरह से अपने मन में डाउट करेगा और थेरेपी के टेक्निक से भी बचने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं मन में ये चीज आएगी कि हाँ ये तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है, ये तो मैनिफेस्टेशन का लॉ कहीं उल्टे तरह से काम ना कर जाए, भाई कहीं ऐसा ना हो कि एंग्जाइटी का एक्सपोजर करने से और ज्यादा एंग्जाइटी बढ़ जाए। डॉक्टर कह रहे हैं कि अपने फियर को फेस करो, भाई ओसीडी है, गंदगी को फेस करो, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे को और ज्यादा मन में ये डर बढ़ जाए कि हमें गंदगी से दूर रहना है, गंदगी से हम बीमार हो जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम और ज्यादा क्लीनिंग करने लगे, वॉशिंग करने लगे क्योंकि हमने थेरेपी सेशन के अंदर मैनिफेस्ट कर दिया, सोच लिया ये सब, क्योंकि हमने थेरेपी सेशन में सब सोच लिया, इसलिए जब हम घर जाएंगे या अपनी डे टू डे लाइफ में जब गंदगी का सामना करेंगे तो वो सारी जो टेक्निक जो हमें कराई गई है वो मैनिफेस्ट हो जाएंगी, हम और ज्यादा अपने को साफ करने की इच्छा लाने लगेंगे। पेशेंट ऐसा सोच सकता है कि मुझे फोबिया है, मान लीजिए उसे लिफ्ट का फोबिया है, बंद जगहों का फोबिया है, डॉक्टर ने कहा कि आप लिफ्ट में किसी पर्सन के साथ जो कि आपके घर का कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई दोस्त हो सकता है, उसके साथ आप एक मंजिल ऊपर जाओ, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक जाओ, लिफ्ट में कोई एक व्यक्ति आपके साथ होगा तो आप आराम से इसका एक्सपोजर कर सकते हो। आपको अकेले नहीं जाना, किसी नोन पर्सन के साथ जाना है, आपको एक्सपोजर करना है इस तरह से, ऐसे में आपके लिए वो फियर का सामना करना आसान होगा। और जब आप बार बार इस तरह से किसी नोन पर्सन के साथ जाएंगे, एक मंजिल, दो मंजिल, चार मंजिल जाएंगे, तो आपका फियर कम होगा और बाद में आप अकेले जाने के लिए भी हिम्मत जुटा पाएंगे। अब पेशेंट को लगता है कि अरे ये मुझे एक्सपोजर कराने को बोल रहे हैं, सामना करने को बोल रहे हैं, मेरे दिमाग में थॉट्स आएंगे कि मुझे लिफ्ट में जाना है, लिफ्ट में जाना है, मेरे अंदर डर आएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं ये एक्सपोजर करने के बाद घर आऊं या जब कहीं लिफ्ट का एक्सपोजर करना पड़े तो वहां पर मेरा डर और बढ़ जाए क्योंकि मुझे डॉक्टर ने इसको सोचने के लिए मजबूर कर दिया है।
एक्चुअल में देखेंगे तो ये बड़ा अटपटा सा आइडिया है कि कैसे आपका फियर बढ़ जाएगा जब आपका फियर दूर करने के लिए आपको एक्सपोजर कराया जा रहा है। तो फियर तो बढ़ नहीं सकता, पर जो मैनिफेस्टेशन में बिलीव करता है वो तो ऐसा सोचेगा। खासकर ओसीडी पेशेंट ऐसा अक्सर सोचते हैं, क्योंकि ओसीडी पेशेंट्स अक्सर ये मैजिकल आइडियाज अपने माइंड में रखते हैं। बहुत सारे ओसीडी पेशेंट्स अपने अंदर एक ऐसा सिम्टम रखते हैं जिसको हम मैजिकल आइडिएशन कहते हैं, मैजिकल थिंकिंग। मतलब ये कुछ ऐसा उनका कंपल्शन हो सकता है कि अगर मैंने अपनी उंगली हिला दी तो मेरे घर में कोई व्यक्ति जो मर सकता है उसकी मृत्यु बच जाएगी, या अगर मैंने अपनी आंख झपका दी तो मेरे को कोई बीमारी जो हो सकती थी अब वो बीमारी नहीं होगी। उनके मन में कोई ऑब्सेसिव थॉट आता है और वो कोई बड़ा अजीब सा कोई ऐसा कंपल्सिव एक्ट करते हैं जो उन्होंने अपने मन में बना लिया है, इस उम्मीद से कि अगर ऐसा कर देंगे तो वो अनहोनी घटने से बच जाएगी, वो होगी नहीं, हमारे को कुछ बुरा आउटकम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो अक्सर ऐसा मैजिकल आइडिया रखने वाले कई सारे पेशेंट्स अक्सर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में बहुत ज्यादा बिलीव कर लेते हैं। या तो उनमें अपने सिम्टम के तौर पर मैजिकल आइडिया होता है, या फिर सिर्फ ओसीडी होने की वजह से भी उनके अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रति बिलीफ ज्यादा हो सकता है। हालांकि इस पर मेरे नजर में कोई रिसर्च अवेलेबल नहीं है, अगर कभी कोई रिसर्च होगी तो मैं इसके बारे में जरूर आपसे शेयर करूंगा कि क्या ओसीडी पेशेंट्स, खासकर जिनको प्योर ओसीडी है, क्या वो ज्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं। क्योंकि कई लोगों का ओसीडी है वो एक तरह के मैजिकल आइडिया के तौर पर ही एग्जिस्ट करता है। उनको ऐसा ही लगता है कि अच्छा अगर हमने किसी के डेथ की इमेज सोच ली कहीं वो इंसान मर ना जाए, अच्छा अगर मैंने किसी की गंदी सेक्सुअल इमेज सोच ली तो कहीं मैं सच में बुरा इंसान ना बन जाऊं, मेरे मन में किसी को हार्म करने की थॉट आ गई तो कहीं मैं सच में उसका कोई नुकसान ना कर बैठूं, मेरे मन में किसी बच्चे की अगर कोई न्यूड फोटो आ गई तो कहीं मैं सच में बच्चों का शोषण करने वाला ना बन जाऊं, मेरे मन में अगर भगवान की कोई गंदी तस्वीर आ गई, भगवान के लिए मैंने कोई गालियां दे दी तो कहीं ऐसा ना हो कि सच में मुझे पाप चढ़ जाए क्योंकि भगवान ये सब देख रहा है। तो ये सारे जो मैजिकल आइडियाज हैं ये एक ओसीडी पेशेंट के मन में अक्सर काम करते हैं, उनके सिम्टम का कहीं ना कहीं पार्ट होता है मैजिकल आइडिया। तो ऐसा पेशेंट अक्सर सोच सकता है कि एक्सपोजर करने से, डर का सामना करने से सच में मेरा डर मैनिफेस्ट हो जाएगा। पर एक चीज पर ध्यान दें, आप अभी बीमार हैं, एंग्जाइटी में हैं तो आप ऐसा सोच रहे हैं, पर क्या आपने कभी अपनी बीमारी को मैनिफेस्ट किया? क्या आपका ओसीडी कोई आपकी मैनिफेस्टेशन थी? अगर आपको मान लीजिए 15 वर्ष की उम्र में ओसीडी हुआ तो क्या 14 वर्ष की उम्र में आपने सोचा था कि मुझे ओसीडी हो सकता है? क्या आपका ओसीडी आने से पहले आप सच में ऐसा मानते थे, सोचते थे कि ऐसा सोचने से ओसीडी हो जाना चाहिए, या मैं चाहता हूं मेरे को ओसीडी हो जाए और मेरे अंदर कंपल्शंस आ जाएं और अचानक से आपके अंदर कुछ हफ्तों के अंदर कंपल्शंस बिल्ड होने लग जाएं, आप कंपल्शंस डेवलप कर लें? आपकी बीमारी तो किसी तरह की मैनिफेस्टेशन नहीं है। तो जब बीमारी आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं है तो फिर आपका जो इलाज है जिसमें आप एक्सपोजर कर रहे हैं उसमें आपका डर बढ़ जाएगा, ये आपकी मैनिफेस्टेशन कैसे हो सकती है? जबकि यहां तो बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा इलाज अच्छा हो जाना चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरे को एक्सपोजर करने से मेरा ओसीडी दूर हो जाए, मेरा एंग्जाइटी दूर हो जाए, तो एक्चुअल में तो आपकी एंग्जाइटी दूर होनी चाहिए। पर नहीं, जो पेशेंट ट्रीटमेंट से रेजिस्टेंस देता है, ट्रीटमेंट से बचने की कोशिश करता है, ट्रीटमेंट से घबराता है, वो अपने दिमाग में ऐसे कई तरीके की एक्सप्लेनेशंस ढूंढ लेगा जिसमें कि वो ये कहने की कोशिश करेगा कि नहीं, मुझे एक्सपोजर मत कराओ, एक्सपोजर में बड़ा डर लगता है, एक्सपोजर मेरे से टॉलरेट नहीं होता। तो बहुत नेचुरल सी बात है कि लोग कई तरीके के रीजंस ढूंढ लेते हैं थेरेपी से बचने के लिए, एक्सपोजर से बचने के लिए। उसी में उनका एक ये भी एक एक्सप्लेनेशन जाता है कि मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। तो यहां ये चीज समझने की है कि आप ये जो मैनिफेस्टेशन में जो इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, बिलीव करते हैं, इसको अपने इलाज पर हावी ना होने दें। अगर डॉक्टरों की साइकोलॉजिस्ट की मानो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन सब बकवास है, स्यूडो साइकोलॉजी है, स्यूडो साइंस है, पॉप साइकोलॉजी है। पॉप साइकोलॉजी मतलब पॉपुलर साइकोलॉजी, जो पॉपुलराइज कर दिया जाता है सारी दुनिया में। सबकॉन्शियस माइंड का एक आइडिया फैला दिया गया कि माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते रहो, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और सारा आपका बिहेवियर जो है, इमोशन जो है, चेंज हो जाएगा। जबकि हिप्नोथेरेपी जैसी जो टेक्निक्स होती हैं जो कि साइंटिफिकली वैलिडेटेड है, उनको इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जाता कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हो। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, ये सारे आइडिया साइकोलॉजी में एग्जिस्ट करते हैं, पर जिस तरीके से इनको पॉपुलराइज किया जाता है कि जैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक पावर है, दुनिया को बदल डालेगा, आपका जीवन बदल जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करो, माइंड के अंदर ऐसे ऐसे आइडियाज भर दो कि आप बस ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाओगे, जिस तरीके से पॉपुलराइज किए जाते हैं वो गलत तरीका होता है। क्योंकि जो भी इस आइडिया का प्रचार करता है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज आपको परोसना चाहता है जिससे कि आप अट्रैक्ट हो, जो आपको अपील करे।
एक मोटिवेशनल स्पीकर या कोई भी ऐसा जो पॉप साइकोलॉजी का एक्सपर्ट है वो कोई किताब लिखेगा या वो इस तरह से आपकी साइकोलॉजी को रीड करेगा कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, किस आइडिया से अट्रैक्ट हो सकते हैं। वो जानता है कि लोगों को ना इजी आइडियाज चाहिए, वो जानता है कि लोग थेरेपी नहीं लेना चाहते, थेरेपी बहुत डिफिकल्ट होती है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, कई तरह की टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ती हैं, एंग्जाइटी का सामना करना पड़ता है। तो लोगों को ना एक सिंपल सा आइडिया दे दो कि अपनी थॉट को ना रोज लिखना शुरू कर दो, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, 20 बार 25 बार 50 बार 100 बार लिख दो और अचानक से लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर इतना सिंपल होता, अगर इतना इजी होता तो सारी दुनिया ऑलरेडी सुखी हो चुकी होती, इतनी बीमारियां ना होती दुनिया में, इतने दुख ना होते दुनिया में। बहुत ही बेहुदा, बहुत ही बकवास आइडिया है कि आप सिर्फ लिखते जाओगे और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इसीलिए सही साइंटिफिक टेक्निक को समझें, जानें, पता करें कि जो टेक्निक्स थेरेपी की बताई जाती हैं उनके पीछे का साइंटिफिक बेसिस क्या है, क्यों दुनिया भर के डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, न्यूरोसाइंटिस्ट, न जाने किस किस तरीके के जो स्पेशलिटी वाले डॉक्टर्स हैं, क्यों वो इन ट्रीटमेंट्स को रिकमेंड करते हैं, क्यों इतने बड़े बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें कि इन टेक्निक्स को वैलिडेट किया जाता है, इनका प्रूफ ढूंढा जाता है। जब आप साइंस में बिलीव करते हैं, जब आप साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं, तब आप सही चीज को पकड़ पाते हैं और ऐसे झूठे बकवास आइडियाज की तरफ नहीं जाते जिसमें मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है, सारी दुनिया बदल दो। एक इंसान चाहता है कि मैं चाहता हूं कि दुनिया में एटम बॉम्ब के हमले हो जाएं, हो जाएंगे क्या? मजाक है क्या? आज कोई इंसान है जो दुनिया से दुखी हो चुका है, लोगों से परेशान हो चुका है और वो कहे मैं चाहता हूं मेरे सारे दुश्मन कल के कल मर जाए, रोज सोचने लगे मेरे दुश्मन मर जाए, मेरे दुश्मन मर जाए, और वो दुश्मनों के नाम भी लिख दे, क्योंकि और स्पेसिफिक होना जरूरी है, ज्यादा अच्छे से वो चीज का इफेक्ट आएगा, वो सोचेगा ऐसा तो वो नाम तक लिखेगा, ये इंसान मर जाए मर जाए मर जाए मर जाए, रोज लिखता रहे इसको, मर जाएगा क्या वो इंसान ऐसे? क्योंकि उसके अंदर तो खुंदक है भाई। एक आतंकवादी है वो कहे कि मैं चाहता हूं इस देश के ऊपर इतने हमले हो जाए, ये देश जलकर राख हो जाए, ये देश के लोग हमारे दुश्मन है, इन पर उल्कापिंड का हमला हो जाए, इस देश के अंदर इतनी गर्मी बढ़ जाए, इस देश के अंदर इतनी बारिश हो जाए, नेचुरल डिजास्टर्स आ जाए, ये देश बर्बाद हो जाए, हो जाएगा क्या? कितने देश हैं दुनिया में जो बर्बाद हुए हैं इस तरह से? तो ये सारे जो मैनिफेस्टेशन के आइडियाज हैं, आप जरा सोच कर देखें, आप अपने बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है मैजिकल हो जाएगा कुछ, पर दुनिया भर के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि न जाने कितने लोग रोज सोचते होंगे कि दुनिया तबाह हो जाए, दुनिया तो तबाह नहीं हो रही। या कितने सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि दुनिया में शांति स्थापित हो जाए, लोग मंदिर जाते हैं, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग तरह से पूजा करते हैं, बहुत से लोग चाहते हैं कि दुनिया में सुख शांति बनी रहे। कहां आती है दुनिया में सुख शांति? हमें अपने ऊपर, अपने मन पर, अपने बिहेवियर पर काम करना पड़ता है जिससे कि हम सिर्फ अपनी जिंदगी के अंदर सुख शांति ला सकते हैं। दुनिया के अंदर जब आएगी आ जाएगी, दुनिया का ठेका क्यों लेना, हमारे कहने से हो जाएगा क्या? तो ये सब बड़ी सिंपलिस्टिक, बड़ी ओवर सिंप्लीफाइड टेक्निक्स होती हैं जिसमें कह दिया जाता है कि बस सोचो और मैनिफेस्ट हो जाएगा। ये सब बकवास की बातें हैं। ना बीमारियां मैनिफेस्ट करने से आती हैं, ना इलाज मैनिफेस्ट होने से होते हैं। ना आप मैनिफेस्टेशन के थ्रू आप कैंसर का इलाज ढूंढ सकते हो, ना आप स्किजोफ्रेनिया या किसी मानसिक बीमारी का इलाज ढूंढ सकते हो। जब साइंस ग्रो करेगी, जब लोगों के दिमाग में, वैज्ञानिकों के दिमाग में आइडियाज आएंगे, रिसर्च करेंगे, अपने आप साइंस में ग्रोथ हो जाएगी और इलाज आ जाएंगे। जितने भी बीमारियों के इलाज आज हमें मिले हैं वो मैनिफेस्टेशन नहीं था कि अपने आप हो गया। कुछ लोगों ने सोचा कि हाँ ये बीमारी है, इसका इलाज ढूंढते हैं, कुछ अपना वैज्ञानिक बुद्धि लगाई, उसको स्टडी किया, एनालाइज किया, बड़ा सारा डेटा लिया, रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट किया और इलाज बन गया। इतना सारा एफर्ट लगता है उसके अंदर, और ये कहना कि नहीं किसी ने तो सोचा था ना उसके बारे में, अरे वो तो स्वाभाविक सी बात है, सोचते ही है। मैं सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं तभी तो वीडियो बनाई, ऐसा थोड़ी ना कि रात को सपने में सोचा कि कल मेरे पास वीडियो बन के तैयार हो जाए और सुबह उठ के देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर दो चार वीडियोज अपलोड हो गई थी। ये सब बकवास की बातें हैं मैनिफेस्टेशन। इसीलिए सही चीज में बिलीव करें, सही चीज को समझें, जांच परख करें कि क्या वैलिड होता है और क्या बकवास होता है, क्या स्यूडो साइंस होता है, तभी आप अपने लाइफ में अपने मेंटल इलनेस के लिए एक सही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे और सही रास्ता अपना पाएंगे, उन टेक्निक्स को अपना पाएंगे जो कि आप पर सही मायने में काम करती है। भले ही वो स्लो काम करें, धीरे धीरे काम करें, टाइम लें बहुत अपना असर लाने में, पर अगर सही टेक्निक होगी, सही तरह से समझकर, एक्सेप्ट कर अमल में लाएंगे तो रिजल्ट जरूर आएगा, जरूर आज नहीं तो कल आपका इलाज संभव हो पाएगा उन थेरेपी टेक्निक्स की मदद से जिनका वैज्ञानिक आधार है, साइंटिफिक प्रूफ मौजूद है।